Hello everyone, hopefully everyone is fine and doing good and you people are very ready for the exam, for the tomorrow's exam जिसका वेट आप बहुत महीने से कर रहे थे. कुछ छोटी सी बातें हैं तो उनका आप ध्यान रख सकते हैं. पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी. मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर किया हुआ है, जितना पैनिक ऊपर जाएगा परफॉर्मेंस उतना ही नीचे जाएगा. जो आती हुई चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो जाएगी बिकॉज प्रेशर ग्रेट हो जाएगा, राइट? आप देखते हैं एग्ज़ाम के टाइम में तो प्रेशर रहता है तो चीज़ें गलत होती है, वही चीज़ें हम घर आकर देखते हैं तो वो चीज़ें हमें आती हैं एंड सही होती हैं. रीज़न इज़ ओनली एंड ओनली द प्रेशर, बिकॉज हम प्रेशर फील करते हैं, पैनिक फील करते हैं. सो रिलैक्स होकर आपको जो है वो अपना एग्ज़ाम करना है. नेक्स्ट इज़ वॉट कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है. इसको भी याद रखिएगा, स्टार्टिंग से ही टाइम को मैनेज करके चलेगा. सेक्शन सी बी ए जितना टाइम आपने स्ट्रैटेजिकली सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आपको करना है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है. बिकॉज अगेन टाइम कम होता है, सेक्शन बचते हैं एग्जाम में एंड क्वेश्चंस बचते हैं तो भी हमारा पैनिक लेवल इंक्रीज हो जाता है. सो स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट करके चले. लगभग 2 से 3 मिनट सेक्शन सी के लिए, 1 से 2 मिनट ए एंड बी के लिए दीजिएगा. रिवर्स ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा. एकदम काम होकर बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिएगा. एंड आई नो माई स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली रॉक द एग्जाम. ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर your exam. I know you are going to rock. All the very best everyone. Let's crack it.